ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर बार आपको कोई ना कोई टॉपिक्स लेके डिस्कशन करते हैं, तो टुडेज माय डिस्कशन टॉपिक आर द रिलेटेड बाय द बॉटनी एंड टॉपिक्स नेम आर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। लेकिन किसी भी टॉपिक को एनालिसिस करने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ चीजों को बताना बहुत जरूरी होता है कि जिससे आप उस टॉपिक को आसानी से समझ सकें। तो आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ये टॉपिक जो है वो हमारे बायोलॉजी की किस शाखा से संबंधित है। तो प्लांट्स का जो एनालिसिस किया जाता है वो बॉटनी से रिलेटेड है, और बॉटनी का सीधा सा एक ही मीन्स होता है एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ द प्लांट्स। तो टुडेज अवर टॉपिक आर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, पादप जगत का वर्गीकरण। देखिए, सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि इंडिया के अंदर हम रहते हैं, तो इंडिया में हम उसको फिजिकल तौर पे हम चार भागों में बांट देते हैं, और हर भाग एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। और जब वो भाग बिल्कुल डिफरेंट है तो डेफिनेट वहां पर पाए जाने वाले लोग, यानी कि लोग जो होते हैं वो बायोटिक फैक्टर के अंतर्गत आते हैं। और आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो प्लांट्स है, और प्लांट्स भी एक बायोटिक फैक्टर है। तो कोई भी चीज जो बायोटिक है वो इस स्थान विशेष के आधार पर बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसा कि हम आज बता रहे हैं प्लांट के बारे में, तो प्लांट्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, और वो कई प्रकार के होते हैं वो उस स्थान विशेष की आकृति और विशेषताओं के आधार पर होते हैं। पहला हम देखते हैं कि अगर हमको कहीं रेगिस्तानी क्षेत्र में ले जाया जाए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वहां के जो पादप होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिनके अंदर कई बार हम देखते हैं छोटी छोटी पत्तियां और पत्तियों के साथ में छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं उन पादपों को, सबसे पहले हम लेते हैं जीरोफाइट्स। क्या नाम है? जीरोफाइट्स। जीरो इट मीन जीरो, फाइट्स माने लड़ाई, यानी कि वे पौधे जो जीरो लेवल पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं। और कोई भी पौधा अपनी लड़ाई किस लिए करता है? पानी के लिए, क्योंकि किसी भी पौधे का जो विकास है उसके लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। यानी कि वे स्थान जहां पर जमीन के अंदर जीरो लेवल पर पानी है, और उन स्थानों पर पाए जाने वाले जो पादप होते हैं वो जीरोफाइट्स की श्रेणी में आते हैं। इसको हम अपनी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो गर्म क्षेत्र हैं उनके अंदर पाए जाने वाले वनस्पति जो है वो किसके अंदर आती है? जीरोफाइट्स। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, नागफनी, बबूल, ये सभी जो पार्ट्स हैं, ये सभी जो प्लांट्स हैं, ये सब किसके हैं? जीरोफाइट्स। यानी कि नागफनी देखें हम, कैक्टस देखें, बबूल देखें, इन सभी पौधों के अंदर छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, और छोटी छोटी पत्तियों के मध्य में छोटे छोटे कांटे भी पाए जाते हैं, और उन छोटी छोटी पत्तियों का सीधा सीधा सा एक ही सिंबल मिलता है कि उस स्थान पर पानी की सबसे कमी होती है। तो जीरोफाइट्स का मतलब है रेगिस्तानी क्षेत्रों में उगने वाले पादप। दूसरे पादप आते हैं हाइड्रोफाइट्स। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, हाइड्रो, हाइड्रो सीधा से संबंधित है जल से, यानी कि वे पादप जो जल प्लावित होते हैं या जल प्लावित भूमि पर पाए जाते हैं, जिनका लगभग 70% हिस्सा, यानी कि कोई भी जो पौधा है अगर वो हाइड्रोफाइट है तो उसका 70% हिस्सा पानी के भीतर होता है। और ये वो पादप होते हैं जिनके उगने के लिए, जिनकी वृद्धि के लिए मृदा की आवश्यकता नहीं होती। सिर्फ इनके पुष्प और इनका तने का कुछ हिस्सा उस पानी से ऊपर होता है, जिन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। फॉर एग्जाम्पल कमल का फूल। यानी कि आप इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जैसे मछली जल की रानी होती है और उसका जीवन पानी होती है, अगर पानी से बाहर निकालेंगे तो बिल्कुल मुरझा जाएगा, इसी तरीके से हाइड्रोफाइट्स
कोई भी पादप है, कोई भी पौधा है, उसके जो भी एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको कमल का फूल लिया, अगर कमल के फूल को अगर आप पानी के अंदर से निकालेंगे तो उसका पुष्प बंद हो जाएगा। इट मीन्स उसको बने रहने के लिए 24 आवर्स क्या चाहिए, पानी चाहिए। यानी कि पानी वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले जो पादप होते हैं वो हाइड्रोफाइट्स होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे ले सकते हैं आप वाटर लिली, लेकिन आपकी पेपर की दृष्टि से एक बहुत इंपोर्टेंट एक एग्जाम्पल आता है वाटर हयांसित। जो वाटर हयांसित जो पादप होता है वो किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रोफाइट्स, वाटर हयांसित। दैट्स क्लियर। द नेक्स्ट, तीसरा होता है हैलोफाइट्स। यानी कि हेलो यानी कि सीधा सीधा स्पष्ट है कि जहां पर किसी का मिलन हो रहा है। यानी कि हम भारत के संदर्भ में देखते हैं कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, एक स्थान जिसका नाम है पश्चिमी बंगाल, जहां पर वो संगम बनाती है, सीधा सीधा सा सीक्वेंस जाता है कि वे स्थान या वे स्थान जहां पर दो नदियों का संगम होता है और संगम होने के बाद में वो जल कैसा हो जाता है, समुद्रों में गिरने पर खारा हो जाता है, और खारे पानी में पाई जाने वाली वनस्पति वो क्या कहलाती है, हेलोफाइट्स। जैसे आपके भारत के अंदर पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलने के बाद में, जिसको बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। जहां पर पाई जाने वाली वनस्पति का नाम है मैग्रोव वनस्पति। यानी कि वे स्थान जहां पर दो नदियों का संगम होता है और संगम होने के बाद में जब वो किसी समुद्री स्थान में जागृती है तो उस स्थानों पर पाए जाने वाले पादपों के समूह को हम किसके अंदर लेते हैं, हेलोफाइट्स के अंदर। उसका एग्जाम्पल आपको बोला है पश्चिम बंगाल में जब दो नदियां आपस में संगम बनाती हैं तो वहां पर सुंदरबन का डेल्टा बनता है, और सुंदरबन का डेल्टा लोकेट कर रहा है वेस्ट बंगाल, और वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, मैग्रोव वनस्पति। अगर आपसे इसका दूसरा एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप शिप, ये भी एक वनस्पति का प्रकार है। दैट्स क्लियर। देन फोर्थ आर द हाइग्रोफाइट्स। हाइग्रोफाइट्स, हाइग्रो का मतलब होता है ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी। यानी कि ये भी एक जल प्लावित पौधे हैं, लेकिन फर्क इतना है कि जिन स्थानों पर बार बार वर्षा होती है और बार बार वर्षा होने के कारण उमस, जिसको बोलते हैं हाइग्रो, हाइग्रो मीन्स होता है आर्द्रता, यानी कि जिन स्थानों पर सबसे अधिक वर्षा होती है उन्हीं स्थानों पर सबसे ज्यादा आर्द्रता पाई जाती है। तो आर्द्रता किसकी वजह से मिलती है, तापमान की अधिकता से। यानी कि वे स्थान जहां पर तापमान भी अधिक है, वर्षा भी अधिक है, और वहां के मौसम में नमी पाई जाती है, उन स्थानों पर पाए जाने वाले जो भी पादप होंगे उनको हाइग्रोफाइट्स के अंदर सम्मिलित करेंगे। जैसे कि आप विश्व के संदर्भ में देखते हैं अमेजिन बेसिन, दक्षिण अमेरिका में अमेजिन बेसिन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जितने भी घास के मैदान वहां पाए जाते हैं उनको सेलवाज घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, सेलवाज घास के मैदान। ये सभी किसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं, हाइग्रोफाइट्स। एंड लास्ट आर द मिजोफाइट्स। मिजोफाइट्स ये वो पौधे होते हैं जिनके उगने के लिए मध्यम पानी की आवश्यकता होती है, अर्थात ना तो अधिक पानी की आवश्यकता और ना ही कम, यानी कि बिल्कुल मिट पानी की आवश्यकता होती है, उनको हम मेजोफाइट्स में सम्मिलित करते हैं। जैसे कि आपसे कोई अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो आप एग्जाम्पल में सबसे पहले देंगे क्लोवर। कौन सा, क्लोवर। बात क्लियर, ओके। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी पौधा जो होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसको वहां पर विकसित होने के लिए एक आवास और पर्यावरण की आवश्यकता होती है, क्योंकि किसी भी चीज को प्रभावित करने का सबसे पहला जो कारक होता है हमारे पर्यावरण के अंदर, अपने एटमॉस्फेयर के अंदर, वहां का आवास और पर्यावरण। इसी तरीके से पौधे भी एक
बायोटिक फैक्टर हैं और उसकी जीवन शैली को प्रभावित करने के लिए सबसे पहला जो कारक आता है वो उसका आवास और उसका पर्यावरण होता है। और आवास और पर्यावरण के आधार पर किसी भी पौधे को हमने तीन भागों में बांटा है। पहला पौधा है आपका जलीय पौधा। इसका सीधे सीधे सा मीन्स जानते हैं आप कि वे पौधे जो जल में उगते हैं उनको हम जलीय पौधे कहते हैं। दूसरा है अपना स्थलीय पौधा, यानी कि वे पौधे जो स्थलीय भाग पर उगते हैं और स्थलीय भाग पर अलग अलग विशेषताएं होती हैं और स्थलीय भाग के आधार पर मैंने अभी आपको बताया था कि वे पौधे हैं। और तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आश्रित पौधा। यहां पर इसको आपको समझने की बड़ी आवश्यकता है कि ये पौधे भी स्थल भाग से ही उगते हैं, यानी कि ये पौधे उगते तो स्थलीय भाग से हैं लेकिन वायु की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं किसी दूसरे पौधे के माध्यम से। यानी कि ये वो पौधे होते हैं जो जमीन से तो उगते हैं लेकिन अपनी वृद्धि और विकास के लिए किसी दूसरे पेड़ का, किसी दूसरे पौधे का सहारा लेते हैं, जिसके कारण सहारा लेने के कारण इनको हम आश्रित पौधे भी कहते हैं। जैसे कि आप घरों में देखते हैं सजावट के तौर पर हम जो भी लताएं उगाते हैं, जैसे अमरबेल की लता, That's clear. Then next again. तो कोई भी जो इंसान है, कोई भी पौधा है, अगर इस दुनिया के अंदर है तो उसका डेफिनेट कोई ना कोई जीवन काल एक निश्चित होगा। और इसी तरीके से जीवन काल के आधार पर भी किसी भी पौधे को तीन भागों में बांटा गया है। लाइफ इज पल्ला है आपका एक वर्षीय पौधा, यानी कि वे पौधे जिनका जीवन काल एक वर्ष का होता है उनको हम एक वर्षीय पौधे कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आपके गन्ना और तरबूज, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वाटरमेलन, यानी कि ये पौधे जो होते हैं, ये पुष्प पौधे होते हैं, वो एक वर्षीय इनका जीवन काल होता है। इनको हम एनुअल प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है अपना द्विवर्षीय, यानी कि वे पौधे जिनको हम बाई एनुअल प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वे पौधे जिनके प्रथम वर्ष में तो उनकी वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में उनका विकास होता है, वो द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं प्याज और जंगली गोभी, जिसको हम वाइल्ड कैबेज के नाम से भी जानते हैं। थर्ड आर द बहुवर्षीय, यानी कि वे पौधे जिनका जीवन काल दो या दो से अधिक वर्ष का होता है उन्हें हम बहुवर्षीय पौधे के नाम से जानते हैं। जैसे आप बोलते हैं एग्जाम्पल सेब, टमाटर, आलू, ये सभी क्या है? बहुवर्षीय पौधे के एग्जाम्पल है। इसके बाद में देखते हैं हम कि कोई भी पौधा जो होता है वो उसकी बॉडी एप्रिशियंस के आधार पर बांटा जाता है कि कोई भी जो पौधा इस धरातल पर जो उग रहा है वो किस तरीके का पौधा है। और इस आधार पर हमने किसी भी पौधे को तीन ही भागों में बांटा है। पहला होता है वृक्ष, जिसको हम ट्री बोलते हैं, यानी कि धरातल पर उगने वाले वे पौधे जिनकी धरातल से ऊंचाई लगभग 20 फीट से ऊंची होती है वो सभी वृक्षों की श्रेणी में सम्मिलित होते हैं। जैसे आप किसी भी वृक्ष का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में इसका अल्टरनेट आता है जिसको बोलते हैं झाड़ियां, और झाड़ियों को बोलते हैं सर्फ्स, यानी कि वे पौधे
जिनकी लंबाई पेड़ की अपेक्षाकृत छोटी होती है लेकिन इनकी लकड़ियां मजबूत होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, झाड़ियां। एंड थर्ड आर द जड़ी बूटियां, यानी स्थलीय भाग पर पाए जाने वाले वो पादपों के समूह जो घासीय मैदान के रूप में स्थित होते हैं और ये घासीय मैदान एक रसायन के रूप में कार्य लिए जाते हैं, उन्हें हम जड़ी बूटियों के रूप में प्रयोग करते हैं। बात क्लियर? इसके बाद में हम देखते हैं, आगे चलते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। किसी भी पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है, पहला भाग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिप्टोगामी और दूसरे भाग को बोलते हैं फेनोरगामी। क्रिप्टोगामी का हिंदी में रूपांतरण है अपुष्पोद्भिद। और दूसरे होते हैं पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद इट मीन जिसके अंदर पुष्प नहीं होते और पुष्प नहीं है तो ये क्या है, सीडलेस, यानी कि इनके अंदर बीज नहीं पाए जाते। और दूसरा है इनके अंदर क्या होता है, पुष्प पाए जाते हैं तो ये क्या होते हैं, बीज सहित होते हैं, बीजों से युक्त होते हैं, जिनकी उत्पत्ति किससे होती है, बीजों से होती है। तो यहीं पर सबसे बारी बारी हम पहले पार्ट का एनालिसिस करते हैं जिसको हम क्रिप्टोगामी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को हमने अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा है। पहला भाग है आपका थैलोफाइटा, दूसरा भाग है ब्रायोफाइटा और थर्ड भाग है इसका टेरिडोफाइटा, यानी कि आप पुष्पोद्भिद जो पादप होते हैं उनको हमने तीन भागों में बांटा है, पहला भाग थैलोफाइटा, दूसरा भाग ब्रायोफाइटा एंड थर्ड आर द टेरिडोफाइटा। लेकिन ये प्लांट क्लासिफिकेशन जो है वो सबसे पहले किसने दिया, हु इज द मैन गिविन द प्लांट क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हमने देखना है 1883 के अंदर AW Eichler, कौन थे, AW Eichler ने किसी भी पौधे का जो क्लासिफिकेशन जिसको हम वर्गीकरण बोलते हैं वो उस पादप के आकार और उसके परिमाण के आधार पर दिया। किस पर दिया, पादप के आकार और उसके परिमाण के आधार पर दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि उन्होंने इन दो विशेषताओं को एक आधार बनाया जिसके आधार पर उन्होंने किसी भी पादप जगत को दो भागों में बांटा। पहला है क्रिप्टोगामी अपुष्पोद्भिद एंड फेनोरगामी जिसको बोलते हैं पुष्पोद्भिद, यानी कि अपुष्पोद्भिद जिनके अंदर पुष्प नहीं होते। तो पुष्प क्यों नहीं होते, क्योंकि सीडलेस होते हैं। पुष्पोद्भिद जिसको फेनोरगामी बोलते हैं ये किसके युक्त होते हैं, बीज सहित होते हैं, यानी कि अंदर पुष्प पाए जाते हैं। आप पुष्पोद्भिद को पुनः तीन भागों में बांटता है, पहला भाग थैलोफाइटा, दूसरा भाग ब्रायोफाइटा एंड थर्ड आता टेरिडोफाइटा। तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं आपके भाग आप पुष्पोद्भिद जिसको क्रिप्टोगामी बोलते हैं, यानी कि ये पौधे सीधा सा है, जो पौधे बीज रहित है, जिनका निर्माण बीजाणुओं से हुआ है। इनका निर्माण किससे हुआ है, बीजाणुओं से हुआ है। यानी कि अपुष्पोद्भिद जो पादप होते हैं इनका जो निर्माण हुआ है वो बीजाणुओं के कारण हुआ है। और अपुष्पोद्भिद यानी कि किसी भी पौधे में अपनी वंशानुगति को बढ़ाए रखने के लिए प्रजनन तंत्र की आवश्यकता होती है। प्रजनन तंत्र के लिए सभी के अंदर प्रजनन अंग पाए जाते हैं, लेकिन इन पुष्पों के अंदर प्रजनन अंग हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। यानी कि प्रजनन अंग कैसे होते हैं, छुपे हुए होते हैं, ओपन नहीं होते। और ये पुष्प जो है वो एक प्राचीनतम जिसको बोल सकते हैं ओल्ड पैटर्न की है। कैसे हैं, सबसे पहले पाए जाने वाले जो पादप हैं वो कौन से हैं, अपुष्पोद्भिद। इनको हमने बोला है तीन भागों में बांटा है, पहला भाग है थैलोफाइटा,
यानी कि थैलोफाइटा का मतलब सीधा सा है कि वे पौधे जिनका शरीर, यानी कोई भी इंसान होता है उसका शरीर होता है, इसी तरीके से इन पौधों का शरीर उसके जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा, यानी कि नॉट डिवाइडेड इन स्टेम, लीव एंड फ्लावर्स, यानी कि ये वो पादप हैं जिनके अंदर हम इनके तीनों ही पार्ट्सों को अलग नहीं कर सकते और इनके अंदर प्रजनन के लिए दोनों ही विधियां पाई जाती हैं, जिसको बोलते हैं लैंगिक एवं अलैंगिक। यानी कि थैलोफाइटा, यानी कि वे पौधे जिनका शरीर जड़, तना एवं पत्ती आदि में विभाजित नहीं होता, उसे हम थैलोफाइटा कहते हैं, और इनके अंदर लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों ही प्रजनन पाया जाता है। लेकिन इसमें किसी भी पादप के अंदर एक कॉन्वेक्शन टिश्यू जो होते हैं, जिनको जाइलम और फ्लोयम के नाम से जाना जाता है, उनका अभाव होता है, एब्सेंट इन थैलोफाइटा, यानी कि इनके अंदर संवहन ऊतक नहीं पाए जाते। इसको भी थैलोफाइटा को अगेन कुछ भागों में बांटा गया है, इसके लिए हम बताते हैं आपको। थैलोफाइटा को भी हमने पहला भाग बांटा है शैवाल, जिसको हम अलैगी के नाम से जानते हैं, यानी कि जो शैवाल है वो हमेशा अलवणीय एवं खारे पानी के अंदर उगता है। कहां उगता है? समुद्रों के अंदर उगता है। और इसकी कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, पहले तो देखें, खारे पानी एवं अलवणीय जल, और इसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। यानी कि शैवाल की कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके माध्यम से ये अपना भोजन बनाता है, और शैवालों में खाद्य पदार्थ का संग्रहण जो होता है वो स्टार्च के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है? स्टार्च। यानी कि इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल के माध्यम से ये अपना भोजन बनाते हैं, और इनके अंदर जो भोजन रहता है वो हमेशा स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। और इन शैवालों का जो अध्ययन किया जाता है, उस शाखा का जो नाम है उसे बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। अगर एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि शैवालों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, और वहां पर फाइकोलॉजी शब्द ना आए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है मित्रों, वहां पर एक दूसरा नाम दिया गया हुआ, एल्गोलॉजी। यानी कि एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी, इनमें से एक ऑप्शन दिया होगा, और आप वहां पर सीधा टिक मार्क करेंगे कि शैवाल का जो अध्ययन किया जाता है वो फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी में किया जाता है। दस क्लियर, आगे चलते हैं। थैलोफाइटा का दूसरा भाग जो होता है वो होता है कवक, जिसको हम फंगी के नाम से जानते हैं। यानी कि फंगी जो होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, और किसी भी चीज के अंदर अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता तो क्लोरोफिल के अभाव में वो अपना भोजन नहीं बना पाते। और जब कोई आदमी भोजन नहीं बना पा रहा है, कोई भी पादप अपना भोजन नहीं बना पा रहा है, तो उसको पौधे को भोजन के लिए किसी न किसी दूसरे पे आश्रित रहना होगा, और आश्रित क्या कहलाता है, परजीवी, यानी दूसरे जीवों पर उसको आश्रित रहना होगा, तो इसे हम कहते हैं परजीवी, और इसको हम मृतोपजीवी भी कहते हैं। और इसको कहने के पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि इसके अंदर किसका अभाव पाया जाता है, क्लोरोफिल,
यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल का अभाव पाया जाता है और क्लोरोफिल के अभाव में ये अपना भोजन नहीं बना पाते और जिसके कारण इन्हें दूसरों पर आश्रित रहना होता है, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, परजीवी या मृतोपजीवी। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल आपसे पूछे तो एग्जाम्पल है इसका म्यूकर। और इन कवक का जो अध्ययन किया जाता है उस शाखा का नाम है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। दैट्स क्लियर, आगे चलते हैं। तीसरे जो पार्ट आता है उसका नाम है लाइकेंस। यानी कि शैवाल और कवक के साथ एक सहजीवी के रूप में रहने वाला, यानी कि जहां पर शैवाल और कवक हैं उनके साथ एक सहजीविता के रूप में रहने वाला क्या कहलाता है, लाइकेंस। और इसका जो अधिकांश भाग है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, कवक के द्वारा। और ये कैसा है, सहजीवी। किनके साथ रहता है ये, कवक और शैवाल के साथ। बात क्लियर। इसके बाद में देखते हैं चौथा जो आता है वो आपका आता है जीवाणु। और जीवाणु जो होता है उसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। और ये क्लोरोफिल रहित, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया है सिर्फ एलगी जिसको बोलते हैं शैवाल, सिर्फ उसी के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ना ही कवक में पाया जाता है, ना ही लाइकेंस में पाया जाता है और ना ही जीवाणु के अंदर पाया जाता है। और जब जीवाणु के अंदर भी क्लोरोफिल नहीं है तो ये एक सबसे छोटा और सबसे प्राचीन एक कोशिकीय जीव है जिसका नाम क्या है, जीवाणु। तो दैट्स आर क्लियर, थैलोफाइटा। अगला चलते हैं दूसरा पार्ट, ब्रायोफाइटा। यानी कि ब्रायोफाइटा का मतलब है कि वे पौधे जो गर्म एवं गीली जमीन पर उगते हैं और जिनको उगने के लिए जड़ की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि कहां पर उगते हैं, जैसे कि दीवार है, कोई गीली जमीन है, उस पर उगते हैं जिस पर उगने के लिए इनको जड़ की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा। और इसके अंदर दोनों ही प्रजनन अंगों का अभाव होता है, लैंगिक एवं अलैंगिक। यानी कि इन दोनों ही प्रजनन अंगों का। देखिए भाई, तीसरा पार्ट जो है अपना, वो अपना पार्ट है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा सीधी सी बात है कि वे पौधे जिनके अंदर जड़, तना, पत्ती आदि विकसित तो होते हैं, यानी कि टेरिडोफाइटा। यानी कि वे पौधे जिनमें जड़, तना एवं पत्ती आदि विकसित होते हैं, यानी कि इन पादपों के अंदर जड़, तना एवं पत्ती आदि विकसित तो होते हैं लेकिन इनके अंदर फल और फूल नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते, फल और फूल। का अभाव होता है और उनको हम क्या कहते हैं, टेरिडोफाइटा। और इनके अंदर एक जो कॉन्वेक्शन टिश्यू होता है जो किसी भी पादप के लिए बहुत जरूरी होता है, इसके अंदर कॉन्वेक्शन टिश्यू पाए जाते हैं, संवहन ऊतक। यानी कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जिनके अंदर जड़, तना, पत्ती आदि विकसित होते हैं और उनके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, फल और फूलों का अभाव होता है। और किसी भी पादप में पाए जाने वाले संवहन जो ऊतक होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल है फर्न। क्या है, फर्न। बात क्लियर। अगला पार्ट देखते हैं हम, दूसरा पार्ट जिसको हमने बोला है फिनोरगामी। फिनोरगामी का मतलब होता है
पुष्पोद्भिद। हमने आपको पुष्पोद्भिद के बारे में पहले भी बताया था कि ये पौधे वो पौधे होते हैं जिनका निर्माण बीजों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? बीजों के द्वारा रिड्यूस होते हैं। यानी कि सीधी सी ऑब्वियसली बात है कि वे पौधे जिनका निर्माण किसके द्वारा हो रहा है? बीजों के द्वारा। और जब बीजों के द्वारा हो रहा है तो इसके अंदर प्रजनन जो अंग होते हैं वो क्या होते हैं? खुले हुए होते हैं। क्या होते हैं? खुले हुए होते हैं। और ये कौन से टाइप्स के पौधे हैं? मॉडर्न टाइप्स, मॉडर्न टाइप्स। यानी कि पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद को अंग्रेजी में बोलते हैं फिनोरगामी। फिनोरगामी का सीधा सा मतलब है कि वे पौधे जिनका निर्माण बीजों के द्वारा होता है, और कोई भी चीज अगर रिड्यूस हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है? बीजों के द्वारा। और बीजों को किसकी आवश्यकता होती है विकास के लिए? प्रजनन अंगों की। तो इसके अंदर जो भी प्रजनन अंग होते हैं वो ओपन होते हैं और ये सबसे मॉडर्न टाइप के पौधे होते हैं। तो सीधा सीधा सा हम ये कह सकते हैं कि वे पौधे जिनके अंदर फल फूल और पुष्प धारण करने की क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? पुष्पोद्भिद। फल फूल एवं पुष्प अगर कोई भी पौधा धारण कर रहा है तो हम उसको हम क्या कह सकते हैं? फिनोरगामी। और फिनोरगामी को बोलते हैं पुष्पोद्भिद। एग्जाम्पल आप यहां पर कई ले सकते हैं, जैसे आम, रोज, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर कि इनको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला भाग जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म। क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को दूसरी भाषा में बोला जाता है आवृतबीजी। क्या बोला जाता है? आवृतबीजी। यानी आवृत बीज, यानी कि बीज के चारों ओर का क्या है? घेरा। यानी कि वे पौधे जिनके भ्रूण में या जिनके बीज एक फल के अंदर ढके रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? आवृत बीजी। यानी कि इनके जो बीज होते हैं किसके द्वारा ढके रहते हैं? फल एवं फूलों के द्वारा। उसे हम क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। और इसी को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है एक बीज पत्री, जिसको बोलते हैं मोनोडेकुलेंट्स, एक बीज पत्री। यानी एक बीज पत्री सीधा सा मतलब है जिन पौधों के भ्रूण में, यानी कि कोई भी जो बच्चा होता है, कोई भी पेड़ विकसित होता है, कोई भी पादप विकसित होता है, उसके क्या बनता है? जायगोट्स। जायगोट्स को हम क्या बोलते हैं? भ्रूण। यानी कि वे पौधे जिनके भ्रूण में केवल एक बीज का विकास होता है। यानी कितने बीज का विकास हो रहा है? एक बीज का विकास, उसको हमने क्या कह दिया है? एक बीज पत्री। जैसा कि आप ये देख सकते हैं गेहूं, ये क्या है? एक बीज पत्री। जैसा कि आप यहां धान की खेती करते हैं तो धान क्या है? एक बीज पत्री। लेकिन दूसरा होता है डाइकोट, जिसको बोलते हैं द्विबीज पत्री। क्या बोलते हैं? द्विबीज पत्री। यानी कि वे पौधे जिनके भ्रूण में दो बीज पाए जाते हैं, और जिनके भ्रूण में दो बीज पाए जाएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? द्विबीजपत्री। जैसा कि हम घरों में सब्जी बनाते हैं तो उसमें हम मटर का इस्तेमाल करते हैं। मटर क्या है? द्विबीजपत्री, दो बीज होते हैं। जैसा कि हम चने का इस्तेमाल करते हैं, चना क्या है? द्विबीजपत्री। चना और मटर, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल है। और दूसरा भाग है इसका
जिम्नोस्पर्म जिसको बोलते हैं अनावृत बीजी। सीधा सा आप शब्दों की तरफ ध्यान करें, अनावृत यानी कि वे पौधे जिनके बीज फल में ढके नहीं होते हैं, यानी कि अनावृत बीजी कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं साइकेड्स एंड कॉनिफर्स, ये वो पौधे होते हैं जो सदाबहार कहलाते हैं। सदाबहार की आप डेफिनेशन जानते हैं कि वे पौधे जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉनिफर्स कहलाते हैं। और यहां ही एक आपका हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा, हूज द नेम ऑफ जिम्नोस्पर्म मेवा, जिसका नाम है चिलगोजा। ये बार बार आपके एग्जाम में आता है कि चिलगोजा को क्या कहा जाता है, चिलगोजा होता है जिसे जिम्नोस्पर्म का क्या कहा जाता है, मेवा कहा जाता है। तो आई होप ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ है और इस टॉपिक को आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने एक चार्ट दोबारा बना रहा हूं इस टॉपिक का, जिसके माध्यम से आप इसको पुनः लोकेट करने की कोशिश करेंगे कि टुडेज अवर टॉपिक आता है प्लांट किंगडम। गिवन बाय ए डब्ल्यू इक्लर 1883, यानी कि ये प्लांट किंगडम जो क्लासिफिकेशन जो है वो ए डब्ल्यू इक्लर ने दिया था 1883 में दिया था, और वो किस आधार पर दिया था, किसी भी पादप के आकार और परिमाण को ध्यान रखकर। यानी कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज आप एनालिसिस करते हैं, किसी भी चीज का वर्णन करते हैं, तो किसी ना किसी चीज को आप आधार मानते हैं। तो इसी तरीके से ए डब्ल्यू इक्लर ने 1883 में जब प्लांट का क्लासिफिकेशन किया, तो प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए उन्होंने सबसे पहले पादपों के आकार और परिमाण को ध्यान में रखते हुए इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, जिसके आधार पर उन्होंने किसी भी पादप को दो भागों में बांटा। पहला भाग जिसको मैंने आपको बताया था अपुष्पोद्भिद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिप्टोगामी। दूसरा भाग आपको बताया था पुष्पोद्भिद, यानी कि अपुष्पोद्भिद सीधा सीधा सा सीक्वेंस है, जिसके अंदर पुष्प नहीं पाया जाता वो क्या कहलाते हैं, अपुष्पोद्भिद। और इनका निर्माण किससे हुआ है, बीजाणुओं से। और ये कौन सी प्रकृति के पौधे हैं, ओल्ड टाइप, पुराने प्राचीन, और इनके प्रजनन अंग जो होते हैं वो क्या होते हैं, छुपे हुए होते हैं, हिडन। जबकि पुष्पोद्भिद रिड्यूस बाय सीड्स, यानी कि ये पौधे किसके द्वारा निर्मित होते हैं, बीजों के द्वारा निर्मित होते हैं। और ये कौन सी प्रकृति के पौधे हैं, नवीनतम, मॉडर्न टाइप्स। और सीधा सा है कि यहां पर प्रजनन अंग छुपे हुए थे और यहां पर प्रजनन अंग क्या होते हैं, ओपन होते हैं, खुले हुए होते हैं। फिर अपुष्पोद्भिद पादपों को भी तीन भागों में बांटा गया था, जिसको हमने बोला है थैलोफाइटा, यानी कि वे पौधे जिनका शरीर जड़ तना पत्ती आदि में नहीं बांटा जा सकता, उसको हमने बोला था थैलोफाइटा। और इसके अंदर दोनों ही चीजें जो होती हैं, यानी कि अलैंगिक व अलैंगिक दोनों ही जनन तंत्र पाए जाते हैं, और समहन ऊतकों का क्या होता है, अभाव होता है, क्या होता है, अभाव। दूसरा हमने आपको बताया था ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में हमने आपको बताया था कि वे पौधे जो गर्म जमीन व गर्म दीवार पर उगते हैं, जिनके लिए जड़ की आवश्यकता नहीं होती, उसको हमने बोला है ब्रायोफाइटा। एंड थर्ड आर द टेरिडोफाइटा,
यानी टेरिडोफाइटा में हमने एक बार बताया कि इसके अंदर जड़ तना पत्ती तो विकसित होते हैं लेकिन ये फूल और फल धारण नहीं कर पाते, उसको हम बोलते हैं टेरिडोफाइटा। फिर दोबारा थैलोफाइटा को भी इसकी प्रकृति के आधार पर कुछ अन्य भागों में बांटा गया है, जिसको बोला गया है शैवाल, शैवाल को अलग ही बोलते हैं। दूसरा है आपका कवक जिसको फंगी बोलते हैं। तीसरा है आपका लाइकिंस और चौथा है आपका जीवाणु। हमने आपको पहले ही बताया था एलगी जो होता है वो हमेशा खारे पानी यानी खारे पानी जो होता है वहां पर सबसे ज्यादा उगता है और खारे पानी के अंदर इसको वृद्धि के लिए क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और जिस चीज के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है वो ही अपना क्या बना सकते हैं, भोजन बना सकते हैं। और शैवालों का जो भोजन होता है वो किसके रूप में स्थित होता है, स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। और शैवाल का अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, फाइकोलॉजी, और फाइकोलॉजी ना आए तो उसको क्या बोलेंगे, एल्गोलॉजी। कवक, कवक का सीधा सा हमने कहा कि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो भोजन नहीं बना पाएगा, भोजन नहीं बना पाएगा तो उस पर आश्रय देना पड़ेगा, तो कवक को हम क्या कह सकते हैं, परजीवी या मृतोपजीवी। तीसरा बोला हमने लाइकेंस, लाइकेंस के लिए बोला कि अगर शैवाल उपस्थित है और कवक उपस्थित है तो उसके साथ सहजीवी के रूप में रहने वाला तीसरा कंपोनेंट का नाम है लाइकेंस। और चौथा आपको बताया जीवाणु, जो सबसे छोटा सबसे प्राचीन और एक कोश के जीव है उसको हम क्या बोलते हैं, जीवाणु। अगला हमने बोला है पुष्पोद्भिद, पुष्पोद्भिद के बारे में हमने आपको बता ही दिया है और पुष्पोद्भिद को भी हमने दो भागों में बांटा है जिसको हमने पहला नाम दिया है एंजियोस्पर्म और दूसरे का नाम दिया है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को हम हिंदी भाषा में बोलते हैं आवृत बीजी, यानी कि वे पौधे जिनके बीज फल के अंदर ढके रहते हैं, किसके अंदर ढके रहते हैं, बीज फल के अंदर ढके रहते हैं। और इसके आधार पर भी इनको दो भागों में बांटा गया है, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री, यानी कि वह पौधा जिसके भ्रूण में केवल एक बीज पाया जाए वो एक बीज पत्री, वह पौधा जिसके भ्रूण में दो बीज पाए जाए द्विबीज पत्री, और जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, यानी कि जिसके पौधे के अंदर बीज फल में डके नहीं होते हैं वो क्या कहलाता है, जिम्नोस्पर्म। और बार बार आपके क्वेश्चन आता है कि जिम्नोस्पर्म का मेवा, जिम्नोस्पर्म का जो मेवा होता है वो चिलगोजा कहलाता है। तो आज हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, शायद हम आशा करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा, इसके लिए हम आप सबका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू सो मच।